अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 8.3 एंड 8.4 हमने सॉल्व करनी है। ये जो मैं बोलने लगा हूँ ना बात, ये मैं दो लेक्चर आएंगे 8.3 8.4 के, दोनों के साथ शुरू में एडिट करके लगा दूंगा। बच्चों मेरे पास टाइम बहुत कम था, ये टॉपिक मेरे लिए कंप्लीट करवाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, मेरा थीसिस फंसा हुआ है, बहुत बहुत सी चीज़ें हैं जो काफ़ी फंसी हुई हैं, मेरा ऑपरेशन भी है आई साइट का, काफ़ी मसले हैं, तो मैं लेक्चर बिल्कुल सही तरीके से नहीं बना सका इसका। मैंने बुक सामने रख के डिटेल में चीज़ बताई है, तो आपको वो फुल टीचिंग मेरी नहीं नज़र आएगी। कुछ ऑर्गेनाइज मैंने नहीं किया हुआ, रैंडम आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन स्टिल मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके मैं आप लोगों को नॉलेज दूं, क्योंकि असल मकसद नॉलेज देना है। क्वेश्चन तो शायद कोई और भी सॉल्व करवा रहा होगा यूट्यूब पे, जितना हो सका कि मैंने यार क्वेश्चन जो नॉलेज आप लोगों को दे सकूँ फंक्शन से रिलेटेड, वो सब मैंने आप लोगों को दिया है। कोई अगर कमी रह गई हो, कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाए वर्बली समझा दिए, कोशिश करना उसको समझ लेना, ना बस थोड़ा मसला हो तो गाइड से थोड़ी हेल्प ले लेना, इस तरीके से सॉल्व कर लेना। माजरत के साथ, थोड़े इश्यूज हो रहे थे, ऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं हुआ था मेरा लेक्चर, तो जैसा वैसा हुआ मैंने बस रिकॉर्ड कर दिया, तो दो लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 8.3 एंड 8.4। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जितने हमारे 12 चैप्टर थे फर्स्ट ईयर की न्यू बुक में वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सिवाय चैप्टर नंबर 8 की दो एक्सरसाइजेस हमारे रह गई हैं, 8.3 और 8.4। यहाँ तक तो मैंने 8.2 तक आप लोगों को डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, टाइम की कमी की वजह से मैं अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, तो मैंने बुक सामने रख के जो हो सकेगा बताऊंगा, ग्राफ भी सामने रखा हुआ है ताकि मैक्सिमम नॉलेज आप लोगों को दे सकूं, फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो माजरत, टाइम बहुत कम है। जो सबसे पहली बात, इसका सवाल लॉन्ग के अंदर भी आता है और शॉर्ट के अंदर भी आता है, जो मॉडल पेपर है उसके अंदर लॉन्ग शॉर्ट दोनों के अंदर इसका सवाल आया हुआ था। अच्छा जी, जो पहला टॉपिक आपने 8.3 के अंदर पढ़ना है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। भाई देखो, फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अब इस फंक्शन को अगर आप गौर से देखो तो इसका ग्राफ का क्या मतलब बनेगा, इसके ग्राफ का मतलब ये बनेगा कि वो सारे पॉइंट्स जिनको ऑर्डर्ड पेयर भी आप कहते हो, वो सारे पॉइंट्स जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब आप ग्राफ पे जाओगे, ये आपका पूरा ग्राफ है, इस ग्राफ पे वो सारे पॉइंट जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर आप एक्स और वाई वैल्यू पुट करो और लेफ्ट और राइट बराबर आ जाए आपस में, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं वो पॉइंट्स। तो इस फंक्शन के ग्राफ का मतलब वो सारे पॉइंट्स जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो जो आपके पास एक कर्व आ रहा होगा या वो स्ट्रेट लाइन जो भी होगी, वो आप बोलोगे कि इस फंक्शन का एक ग्राफ है। ठीक है, जो बेसिक आपने फंक्शंस पढ़ने हैं यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक में, वो है लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं समझाई हुई थी, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। टॉपिक हमारा चल रहा था कि लीनियर फंक्शन होता क्या है। लीनियर फंक्शन को समझने से पहले आप लीनियर इक्वेशन समझ लो कि लीनियर इक्वेशन, ये मैंने चार किस्म की लीनियर इक्वेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है। लीनियर इक्वेशन ये होती है कि जो वेरिएबल आपकी इक्वेशन में आ रहे ना, उनकी पावर मैक्सिमम वन होनी चाहिए। जैसे अगर तीन वेरिएबल हैं उनकी मैक्सिमम पावर भी वन हो, अगर दो हो या एक हो तो उनकी जो वेरिएबल जितने भी आ रहे हैं, चाहे एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहे हैं, उन सब वेरिएबल्स की पावर अगर वन होगी तो आप उसको लीनियर इक्वेशन बोलोगे। रही बात लीनियर फंक्शन क्या होता है, देखो लीनियर फंक्शन को आप लीनियर इक्वेशन से ही डिस्क्राइब करते हो, क्योंकि जब हम फंक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं ना तो फंक्शन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जितनी लीनियर फंक्शंस होते हैं ना, उनको जब आप डिस्क्राइब करोगे तो लीनियर इक्वेशन के जरिए से ही आप डिस्क्राइब करते हो। जैसे एक लीनियर इक्वेशन है, अब आपने इसको वो फंक्शन की फॉर्म में बनाना है ना, तो आप इसको इस तरह लिखोगे, वाई को आप एक तरफ कर लोगे, मतलब 4y इज इक्वल टू एक्स को बदल ले जाओ 5 - 3x, फिर आप 4 को डिवाइड करवा दो तो 4 यहाँ भी आ जाएगा, 4 यहाँ भी आ जाएगा। तो अब ये वही फॉर्म बन गया जो आप लोगों को ज़्यादातर आदत है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक वाई लिखा होता है, वाई रिप्रेजेंट, वाई को आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास एक पूरी एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो अब ये लीनियर इक्वेशन थी जिसके ज़रिए से आपने लीनियर फंक्शन बनाया है। अब नॉर्मली आप वाई को डिपेंडेंट लेते हो, एक्स को इंडिपेंडेंट ले रहे होते हो, तो यहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई जो है वो आपका डिपेंडेंट है। इसी तरीके से ये जो लीनियर इक्वेशन है तीन वेरिएबल के अंदर थी, एक्स वाई जेड, अब लीनियर फंक्शन भी आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे जो आप लीनियर फंक्शन बनाओगे वो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा। नॉर्मली जो हमारी नोटेशन होती है वो ये कि हम जेड को डिपेंडेंट लेते हैं और यहाँ पे हम दो वेरिएबल जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होंगे। आप लोगों के लेवल पे एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर आप थोड़े नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ तो वहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आपको मिल जाते हैं। तो अब ये जो है ये लीनियर इक्वेशन थी, लेकिन आपने यहाँ से एक लीनियर फंक्शन बनाया है। अब ये जो लीनियर फंक्शन है जेड, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसी तरह इसको ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसको फिलहाल स्किप करो, ये अगर आप बनाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, आपको प्लेन मिल रहा होता है। कि ये फ़र्क होता है इन चीज़ों में, वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि ये जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, एक प्लेन मिलेगा आपको। तो हम जिसकी बात करते हैं, हम टू डायमेंशन में बात करते हैं, उसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल हम लेते हैं, तो ये जो है ये तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
इसी तरीके से ऐसी भी लीनियर इक्वेशन है जिनके अंदर एक वेरिएबल है, ये भी फंक्शन की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 4/3। बस इस फंक्शन की खास बात ये कि कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे y की जगह बेशक f ऑफ x भी लिख दो। इसकी खासियत ये है कि आप कुछ भी एक्सपुट कर दो, आंसर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, एक वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन थी लेकिन आपने उसको लीनियर फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी है, y इज इक्वल टू 4/3। अच्छा जी, तो एक ही वेरिएबल है इसके अंदर, जबकि ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, इसको आप फंक्शन कह नहीं सकते क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास नहीं करेगी। ये जो है ना, इसको जब आप ड्रॉ करते हो ना ग्राफ के ऊपर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको आप फंक्शन कह सकते हो, लेकिन ये वर्टिकल लाइन है। जब आप इसको ड्रॉ करोगे x इज इक्वल टू 4/3 को, तो एक वर्टिकल लाइन बनेगी और वर्टिकल लाइन कभी फंक्शन नहीं होती। तो आप इसको लीनियर रिलेशन तो कह सकते हो लेकिन फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन एक ही किस्म का कॉन्सेप्ट था, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन ये फंक्शन में नहीं आएगी। बाकी जितनी लीनियर इक्वेशन हैं, आप जो फंक्शन बनाओगे वो इन्हीं में से बना रहे होगे, ठीक है। तो बेसिक लीनियर फंक्शन के बारे में तो आपने बस यही पढ़ा होगा जो बुक में भी लिखा हुआ है कि भाई एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। नॉर्मली एक्स को आप इंडिपेंडेंट लेते हो, वाई को आप डिपेंडेंट ले रहे होते हो। अब आ जाओ कि इनको ड्रॉ किस तरह करना है। भाई लीनियर को ड्रॉ करने का बड़ा आसान तरीका होता है। अच्छा, ये जो इन्होंने टेबल बनाए हुए ना, ये एक दफा मैं ग्राफ पेपर पे आपको बता दूंगा, जो एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा उसमें सब ये मैं बता दूंगा आप लोगों को। अभी बस आप लोग सुन लो, जो सामने बना हुआ है वो ड्रॉ करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए बता दूंगा। अभी बस मेन बातें सुन लो, नॉलेज सीख लो अभी कि लीनियर को बच्चों ड्रॉ करने के बहुत तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका होता है आप इंटरसेप्ट निकालते हो। अब ये बात आगे भी आएगी, अभी से सीख लो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपकी एक लाइन है, वो लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है उसको आप बोलते हो y इंटरसेप्ट, और आपकी लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है उसको आप कहते हो x इंटरसेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, अगर आपने कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है उसके लिए आपको बस दो पॉइंट पता होने चाहिए, दो पॉइंट मिनिमम, मैक्सिमम आपको जितने भी पॉइंट पता हो, इसको आप इस तरह समझ सकते हो बस आपको दो ही पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि दो पॉइंट को आपने स्केल से ज्वाइन करना है और आपके पास एक लाइन आ जाएगी। एक पॉइंट से आप ज्वाइन नहीं कर सकते, दो पॉइंट अगर होंगे तो आप लाइन बना पाओगे, एक पॉइंट से तो इन्फिनिट लाइन पास कर सकती हैं। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए बस आपको दो पॉइंट पता होने चाहिए, आप उस लाइन को ड्रॉ कर दोगे। अब यहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट सारे निकाले हैं जिसकी नीड नहीं है आपको। जब ये फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें उन्होंने निकाली हुई है। उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट निकाले हैं जिसकी कोई तुक नहीं बनती कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज थोड़ी ना होती, तो ऐसी रहेगी। लेकिन हम पेपर में अगर ये ड्रॉ करेंगे तो हम बुक के मेथड को फॉलो कर लेंगे, हम ये इंटरसेप्ट वाले मेथड को नहीं करेंगे। मतलब इंटरसेप्ट वाला मेथड बड़ा इजी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है ना, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख सकते हो, तो इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 3x+1। तो अगर आप याद रखो जो एक्स इंटरसेप्ट होता है ना, याद रखो इस पे वाई वैल्यू आपकी जीरो होती है, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसकी वाई वैल्यू जीरो होगी। एक्स वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये पूरी एक्स वैल्यू है, वो सवाल पर डिपेंड करेगा। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट पे एक्स वैल्यू जीरो होती है और y वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा किसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर। तो अगर आपने इसको ड्रॉ करना है, आप सिंपल क्या करो, यहाँ से x इंटरसेप्ट निकालो, y की जगह जीरो पुट करो। तो अगर आप देखो x इंटरसेप्ट यहाँ से -1/3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से आप y इंटरसेप्ट निकालो, y इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, x की जगह जीरो पुट कर दो तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा 1। तो आप सिंपल ग्राफ पे जाओ, कंसीडर कर लो ये y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, एज्यूम कर लो ये 1 यहाँ पे है। इसी तरह x -1/3 है, एज्यूम कर लो x -1 यहाँ पे है, तो -1/3 के यहाँ पे होगा। तो एक इस पॉइंट को मार्क कर लो y इक्वल टू 1 को, एक मार्क कर लो x इज इक्वल टू -1/3, और बस स्केल पकड़ो और इनको आपस में ज्वाइन कर दो, दैट्स इट, आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्योंकि दो पॉइंट आपको बस पता होने चाहिए, वो इंटरसेप्ट से आप आसानी से मालूम कर सकते हो। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका होता है। ये हर जगह वैलिड नहीं होता हर कर्व के अंदर, क्योंकि हर कर्व के अंदर कहीं कर्व आ रहा है तो आपको ज्यादा पॉइंट चाहिए उसको एक्यूरेट ड्रॉ करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना हम स्केच करेंगे, हम प्रॉपर प्लॉट नहीं करेंगे यहाँ पे। स्केचिंग में ये होता है कि आपको रफली आइडिया मिल जाता है कि आपने किस तरीके फंक्शन किस टाइप का होगा। एक्चुअल प्लॉट नहीं कर रहे कि फॉर एग्जांपल आपने 5 पॉइंट पकड़े और इसको इस टाइप का ज्वाइन कर दिया। अब फॉर एग्जांपल कोई दरमियान की अगर आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो ना, तो वो अप्रॉक्सीमेट ही आएगी, क्योंकि देखो इस वाले रीजन में आपने अंदाजे से इसको ज्वाइन किया है। अगर आप हर जगह पे कुछ छोटे 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 पॉइंट पिक करोगे तो आपके पास एक्चुअल आ रहा होगा, लेकिन वो इनफाइनाइट पॉइंट आपको पिक करने पड़ जाएंगे, तब आप प्रॉपर प्लॉट कर पाओगे। वो कंप्यूटर का काम है, आपका इतना काम नहीं है। तो हम स्केच कर रहे होते हैं उसमें ये कि अगर आप दरमियान की कोई वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट आ सकती है, लेकिन एक्यूरेट बिल्कुल नहीं आ रही होगी। तो लीनियर फंक्शन को ड्रॉ करने का आसान तरीका, लेकिन यहाँ पे इस वाले मेथड को टी टेबल भी आप कहते हो, ये इस टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है, या नॉर्मली इस टाइप के भी बनाए जाते हैं कि यार ये x वैल्यू है y वैल्यू है। x आपका इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वो क्वांटिटी होती है जिसको अपनी अपने हिसाब से आप चेंज कर रहे होते हो, और x के अंदर जो भी चेंजिंग आ रही है आप देखते हो y के अंदर क्या चेंज आ रहा है। तो y डिपेंडेंट होता है, x इंडिपेंडेंट होता है। तो आप अपने हिसाब से x की 3-4 वैल्यूज
यहाँ पे पिक करो, नॉर्मली कुछ नेगेटिव कर लो, कुछ पॉजिटिव कर लो, एक जीरो ले लो और फंक्शन के अंदर पुट करो और देखो वाई की वैल्यू क्या आ रही है। तो एक किस्म का टी टेबल आपने बना दी, ये टी टेबल बन गया ना आपका। इन्होंने हॉरिजॉन्टल बनाया हुआ है, वर्टिकल भी आप बना सकते हो, मर्जी है आपकी। तो खैर आपने यहाँ पे कुछ एक्स वैल्यू पिक करनी है, उनको फंक्शन के अंदर पुट करना है और आपको रिजल्ट में कुछ वाई वैल्यू मिल रही होंगी। ये सब पॉइंट है, जैसे -4 -11 एक पॉइंट है, -3 -8 पॉइंट है, -2 -5 पॉइंट है। आप अपना ग्राफ पेपर निकालोगे, ग्राफ पेपर पे सारे पॉइंट पुट करोगे और इनको आपस में ज्वाइन कर दोगे। तो हम जब स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे ना, नॉर्मली मैं आप लोगों को 5 पॉइंट पिक करवा दूंगा, 2 नेगेटिव पिक कर लेंगे, 2 पॉजिटिव और 1 हम 0 पुट कर लेंगे। ज्यादा पॉइंट पुट करने की वजह ही नहीं है और बाकी में भी हम ऐसी करेंगे। वैसे स्ट्रेट लाइन के मैंने बताया था 2 पॉइंट पिक करना भी काफी है, या इंटरसेप्ट वाला मेथड भी काफी है, डिफरेंट मेथड्स है। स्ट्रेट लाइन तो बड़ी इजी होती है ड्रॉ करना उसके लिए। तो ये खैर इंशाल्लाह जब सवाल देखेंगे उसमें भी सीख लेंगे। फिर आज नॉन लीनियर के ऊपर, नॉन लीनियर में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की। अच्छा, क्वाड्रेटिक का सबसे बेसिक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी आएंगे जो आगे पढ़ोगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या +2x आ जाए या -3 आ जाए, ये भी क्वाड्रेटिक कहलाया जाएगा। क्वाड्रेटिक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 आपको नजर आ रही है यहाँ पे, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का बिल्कुल बेसिक केस है। इस टाइप के क्वाड्रेटिक भी आपको आगे नजर आएंगे जो हम ड्रॉ करेंगे। बहरहाल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बड़ा इजी होता है, इसका वर्टेक्स, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक होता है इसमें पैराबोला बनता है। पैराबोला इतना आप लोगों को पता नहीं होगा इस लेवल पे, लेकिन सेकेंडरी का ये टॉपिक है। पैराबोला की शेप होती है, इतना आप देख लो बस, ठीक है। तो इस पैराबोला का एक वर्टेक्स होता है, जैसे एक शेप है ना पूरा, ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, फिर एक जगह पे रुकेगी, फिर ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट कर्व मतलब स्मूथ सा होता है, मेरा थोड़ा आपको पॉइंटी सा लग रहा होगा, पॉइंट मतलब शार्प नहीं होगा, एक स्मूथ सा पॉइंट होगा इस टाइप का। अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, स्मूथ सा एक पॉइंट बनाना आपने, लेकिन वो एक पॉइंट होगा जिससे पहले आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, यहाँ पे फंक्शन आपका स्टेशनरी हो जाएगा और इसके बाद फंक्शन आपका इंक्रीज करने लग जाएगा। तो ये जो पॉइंट होता है ना, सबसे मिनिमम पॉइंट होगा। देखो पैरा जो आपके जो क्वाड्रेटिक है ना, नॉन लीनियर, देखो नॉन लीनियर का मतलब होता है कि लीनियर नहीं है, उसके अंदर तो सारे आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, हर किस्म का फंक्शन आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, नॉन लीनियर, तो ये सारे हैं। लेकिन हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक की शेप दो किस्म की बनेगी, मैं अभी क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ। या तो शेप अपवर्ड बनेगी इस तरह, या शेप उसकी डाउनवर्ड बनेगी यूं करके। तो जो अपवर्ड शेप है इसमें आपको मिनिमम पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम पॉइंट तो आपको पता है इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, ये मैक्सिमम क्या ढूंढोगे आप, लेकिन मिनिमम पॉइंट आपको क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा, इसको वर्टेक्स कहते हो। इसी तरह अगर शेप इस टाइप की है तो ये मिनिमम पॉइंट है, इसको भी वर्टेक्स ही बोलोगे आप, सॉरी ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये पैराबोला का मैक्सिमम पॉइंट होगा। मिनिमम पॉइंट जो है वो आपका नेगेटिव इन्फिनिटी के ऊपर होगा, कहां पे आप ढूंढोगे जाके, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो पॉइंट है इसको आप क्या बोलोगे, ये पॉइंट मैक्सिमम कहलाएगा इस वाले केस में, और इस वाले केस में पॉइंट मिनिमम कहलाया जाएगा। जब आपकी क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो ना, तो शेप आपकी इस टाइप की बनती है अपवर्ड, और जब आपकी क्वाड्रेटिक के अंदर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव हो, तो आपकी शेप जो है वो इस तरह डाउनवर्ड बन रही होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ड्रॉ करने का तो तरीका वही है कि उन्होंने कुछ नेगेटिव वैल्यू पिक की, कुछ पॉजिटिव पिक कर लिया, कुछ जीरो पिक कर लिया, इसको आपस में ड्रॉ किया, टोटल इन्होंने कितने पॉइंट, 7 पॉइंट पिक किए, उनको आपस में ज्वाइन कर दिए। अभी आपको पता भी होना चाहिए वो चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वरना मैं इनको स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन कर सकता था, ये पूरा मैं स्ट्रेट बना दूं, यहाँ पे स्ट्रेट बना दूं, मतलब इसको मैं, ये जो इन्होंने पॉइंट बनाया मैं इस तरह कर सकता था, यूं करके फिर मैं यूं लाऊं, फिर इस तरह लाऊं, फिर इस तरह करके, ले कहने का मतलब ये शेप भी बना सकता था, लेकिन आपको नेचर पता होनी चाहिए कि यार ये अगर इक्वेशन है तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला को कर रही है, तो आपने उन पॉइंट्स को इस हिसाब से ही आपस में ज्वाइन करना है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो नॉन लीनियर के अंदर उन्होंने एग्जाम्पल दे दी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, हालांकि बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की भी हो सकती है, या आगे आप फंक्शन देखोगे आपको नजर आ जाएंगे। फिर आज एक और फंक्शन ने डिस्कस किया है, स्क्वायर रूट फंक्शन। अब स्क्वायर रूट फंक्शन का बिल्कुल बेसिक केस जो है वो तो ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ये बिल्कुल बेसिक सा स्क्वायर रूट फंक्शन है। इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको ग्राफ इस टाइप का नजर आएगा, शायद ये भी आगे आएगा, तो इस टाइप का ग्राफ आपको नजर आता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन गिवन नहीं है आपको, वो कह रहे हैं कि इस इक्वेशन से आप निकालो स्क्वायर रूट फंक्शन को, मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन बनाओ आप यहाँ से। अब ये जो इक्वेशन है सर्कल की इक्वेशन होती है, ये भी आप लोग सेकंड लेवल पे पढ़ोगे, ये एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है जिसका रेडियस a के बराबर है। तो अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, प्लस माइनस आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो है ये फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि अगर आप इसमें x की एक वैल्यू पुट करोगे तो y की दो वैल्यू जाएंगी प्लस माइनस करके, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं है। एक यूनिक x पे
मतलब आपने कोई एक एक्स वैल्यू पुट किया है तो आपको एक ही वाई वैल्यू मिलनी चाहिए, दो तीन मिलेंगी तो वो फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा, उसको रिलेशन ही बस आप बोलोगे। तो इन्होंने स्क्वायर रूट फंक्शन की बात की गई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग कंसीडर करेंगे। एक कंसीडर करो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक को कंसीडर करोगे वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो अलग 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 इनको देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये फंक्शन है, ठीक है। तो इन्होंने पूरा सॉल्व किया, अच्छा ये मेंशन किया हुआ है कि एक्स जो है वो लेस देन ए होना चाहिए। ये इनइक्वालिटीज मैंने पता नहीं, मैं भूल गया हूँ कि टॉपिक क्या था आप लोगों के पास, इनइक्वालिटीज को तो सॉल्व नहीं करवाया हुआ ना आप लोगों की बुक में। तो खैर ये भी एक टॉपिक होता है कि यार ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है इसके अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, वरना फिर वो इमेजिनरी हो जाती है। तो इसके अंदर भी ये कंडीशन होती है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, मतलब इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा आंसर पॉजिटिव हो या जीरो हो सकता है, नेगेटिव ना हो, वरना फिर वो इमेजिनरी बन जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे हो जाएगा ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ठीक है। मजीद अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो लेस देन ए आ रही होगी, ठीक है। अभी कहाँ से आई, क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, लीनियर इक्वालिटीज या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का टॉपिक मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, इवन कैलकुलस इंजीनियरिंग मैथ के अंदर भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो अगर शौक हो तो आप लोग देख लोगे यहाँ से यहाँ पे मैं क्या आया। इसको इस तरह भी आप समझ सकते हो कि यार ये जो एक्स है ना ये ए से छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए अगर यहाँ पे टू है और एक्स अगर यहाँ पे थ्री ले लोगे तो मेक सेंस नहीं करेगा, टू का स्क्वायर फोर होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, फोर माइनस नाइन तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स आपने ए से छोटा ही रखना है वरना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, वो फिर इमेजनरी बात चली जाएगी, हम रियल में बात कर रहे हैं अभी। तो उन्होंने अलग अलग कंसिडर किया है, मेरे ख्याल में कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे उन्होंने, हाँ स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे उन्होंने कंसिडर किया कि यार फंक्शन ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर एक साथ प्लस माइनस कंसीडर करोगे तो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर अलग अलग हम कंसीडर करेंगे तो फंक्शन कहलाया जाएगा। फिर उन्होंने एग्जांपल दिए, ए की जगह इन्होंने टू पुट किया तो ये फोर हो गया। अगेन देखो एक्स जो है वो टू से कम होना चाहिए या टू के बराबर भी हो सकता है, जीरो आ सकता है यहाँ पे, नेगेटिव ना हो बस। तो इसको स्केच करने का तरीका अगेन वही है कि अगर आपने वही टेबल पिक करना है, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव कुछ जीरो आप ले लो, आपको आसानी से बदल जाएगा। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि यहाँ पे आप नेगेटिव में माइनस टू से ग्रेटर कुछ नहीं पुट कर सकते, सॉरी माइनस टू से लेस कुछ नहीं पुट कर सकते। अगर आप माइनस टू से लेस कुछ पुट करोगे ना तो वो यहाँ पे चला जाएगा, और माइनस टू से कम पुट करोगे तो इसका मतलब नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह टू से ग्रेटर आप कुछ नहीं पुट कर सकते। यहाँ पे एक कंडीशन है इनकी मिसिंग है, ये एक्स इज लेस देन टू, ये जो इक्वेशन उन्होंने सॉल्व की है ना ये इतनी अच्छी सॉल्व नहीं की हुई, इसको ये भी लगाना चाहिए था साथ इनके, एक्स इज लेस देन ए बट ग्रेटर देन माइनस ए। अगर आप कंप्लीट इसका सॉल्यूशन देखोगे इस तरह आएगा। इसका सर कॉन्सेप्ट मैं एक जुगाड़ बता देता हूँ, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के जुगाड़ बताता हूँ ताकि आप लोगों का आइडिया अच्छा हो जाएगा। आप दोनों तरफ ना स्क्वायर रूट लो इसमें, और मैं एक्स को इधर लिखना चाह रहा हूँ तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा, इस तरह कर दूंगा मैं, ठीक है। तो जुगाड़ इसके एक कॉन्सेप्ट फिर कभी डिस्कस कर लेंगे कि जब आप स्क्वायर रूट लेते हो ना यहाँ पे तो इक्वेशन में आप प्लस माइनस लगाते थे इक्वेशन के राइट साइड पे, इधर आप प्लस माइनस लगाओ लेफ्ट पे, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स इसका हो जाएगा ए। तो दो इनइक्वालिटी बनी, एक बनी प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, एक बनी माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए। इस माइनस एक्स को क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस इनइक्वालिटी को अपनी जगह पर रहने दो, इसको क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो साइन चेंज हो जाता है, तो एक ये बनी एक ये बनी। अगर आप इनको एक साथ लिखो तो एक साथ इनको इस तरह लिखोगे। तो कंप्लीट ये इसकी शर्त है, ये इन्होंने आधी लिखी हुई है, इन्होंने लिखा है फॉर ऑल एक्स लेस देन और इक्वल टू टू। भाई टू से लेस तो माइनस थ्री भी होता है, लेकिन माइनस थ्री आप पुट नहीं कर सकते। टू से लेस तो माइनस टेन भी होता है, आप यहाँ पे माइनस टेन नहीं पुट कर सकते, क्योंकि माइनस टेन का स्क्वायर हंड्रेड होगा, फोर माइनस हंड्रेड अगेन नेगेटिव नंबर आ जाएगा। और इन्होंने देखो ड्रॉप इसी में किया हुआ है, ये माइनस टू से लेकर टू के दरमियान। तो ये रिस्ट्रिक्शन अगर आप पूरी लिखोगे तो ये क्या होनी चाहिए कि माइनस टू से ग्रेटर और इक्वल और टू से छोटी और टू के इक्वल, ये असल में इसकी डोमेन है, मतलब यही आप पुट कर सकते हो, उसके अलावा आप पुट नहीं कर सकते। तो अगेन बाकी तो वही टी टेबल इन्होंने बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ। अच्छा एक चीज ध्यान में रखो, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट फोर, अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। तो एक साथ आप पिक नहीं करोगे, अलग अलग पिक करोगे तब वो फंक्शन बनेंगे। तो ये इक्वेशन बेसिकली यहां से आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, ये वो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके इन्होंने ये बनाया हुआ है, क्योंकि ये वो सर्किल है जिसका रेडियस टू है। मैंने बताया था टू की जगह स्क्वायर पुट कर दो तो ये फोर हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप इस सर्कल को देखो, सर्कल इस टाइप का बनेगा कि यहाँ पे माइनस टू होगा, यहाँ पे टू होगा, इसी तरह यहाँ पे टू, इसी तरह यहाँ पे माइनस टू, क्योंकि इसका रेडियस टू है ना, तो सेंटर से लेके सेंटर इसका ओरिजिन के ऊपर है, तो इस टाइप का एक सर्कल बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, इसको हाफ मतलब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसकी असल में इक्वेशन ये थी प्लस माइनस
4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इस टाइप का कर्व बन रहा था। आपने इसको तोड़ दिया, आपने एक पॉजिटिव को अलग कर दिया, नेगेटिव को अलग। तो अगर ये पॉजिटिव वाला हिस्सा जो है इसको अगर आप अलग ट्रीट करोगे तो ये शेप आपको नजर आ रही है, और अगर नेगेटिव को अलग ट्रीट करोगे तो ये डाउनवर्ड शेप आपको नीचे नजर आ रही है। अलग अलग करोगे तो ये फंक्शन है, क्योंकि आप जब वर्टिकल लाइन आप बना रहे होगे तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास करे, इसका मतलब ये फंक्शन है। इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है। अच्छा जी, रही बात अब जो अगला टॉपिक है वो है कि आपने ग्राफ को स्केच करना है, और यहाँ पे ग्राफ थोड़े डिफरेंट किस्म के अब आपको नजर आ रहे हैं। एक जनरलाइज उन्होंने बात बोली हुई, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, आपने इनको स्केच करना है। वेयर एन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, और एन रैशनल भी हो सकता है। रैशनल के अंदर उन्हें यहाँ पे लगाया हुआ है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो, तो हमने पॉजिटिव पे ही ड्रॉ करना होगा। इसको जरा हम देख लेते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा, सबसे पहली बात, आपके पास जनरलाइज बात लिखी हुई है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, वे लिखा हुआ है सबसे पहला पार्ट है n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वी स्केच द ग्राफ ऑफ वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 3 एंड 4। आप यहाँ पे शुरू की चार वैल्यू पे एटलीस्ट आपको ग्राफ पता होना चाहिए। मैं आपको चारों वैल्यू पे ना ग्राफ जरा आपको एक ट्रेंड बना के दिखा देता हूँ, या चलो पहले मैं बता देता हूँ फिर उसको ड्रॉ कर लेंगे। कि सबसे पहला बेसिक है, अगर n की जगह 1 पुट करो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x, n की जगह 2 y इज इक्वल टू x स्क्वायर, फिर हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। ठीक है, इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 भी कर लेते हैं। जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको नजर आ जाएगी। भाई y इज इक्वल टू एक्स तो सिंपल एक लाइन होती है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही होती है, बिल्कुल मतलब 45 डिग्री के ऊपर। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट को, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, इसी तरह 45 डिग्री के ऊपर थर्ड क्वाड्रेंट को भी बाइसेक्ट कर रही है। बिल्कुल स्ट्रेट होती है, मेरी टेढ़ी हुई भी है। तो y इज इक्वल टू एक्स ये लाइन होती है जो ओरिजिन से भी पास कर रही होती है, इसको तो हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं क्योंकि ये लीनियर कैटेगरी में आ जाएगा। ये जो बाकी है ना ये लीनियर नहीं होते, अब ये क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और इस तरह चले जाते हैं। तो y, मैं ट्रेंड आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि ट्रेंड इनमें है क्या, जितने इवन है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स 4, इनको एक ही ट्रेंड आपको नजर आएगा कि इनका ग्राफ इस टाइप का होगा। आप ये देख भी सकते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ इस तरह होता है ना, ये देखो y इज इक्वल टू एक्स 4 का ग्राफ भी इस टाइप का है। अच्छा, थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा है ये, उसकी वजह स्केलिंग का भी होता है। अब देखो x एक्सिस पे ये पूरी चीज 1 है, ये पूरी चीज 2 है, लेकिन y एक्सिस पे देखो छोटा सा 1 छोटा सा 2। तो जब आप ग्राफ की स्केलिंग थोड़ी खराब करते हो ना तो वो ग्राफ ऊपर नीचे हो जाता है। ये मैं आपको अभी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ ये स्केलिंग का कितना फर्क पड़ता है। अगर आपने अच्छा वैसे ग्राफ बनाते हुए x एक्सिस की स्केलिंग आप अलग कर सकते हो, फॉर एग्जांपल x पे आपने बड़े यूनिट को 1 ले लिया और y पे आपने छोटे यूनिट को 1 ले लिया, मतलब स्केलिंग आपकी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन कुछ ग्राफ पे अगर स्केलिंग डिफरेंट करोगे तो ग्राफ चेंज हो जाएंगे पूरे। वो जैसे सर्किल है, फॉर एग्जांपल ये मैं आप लोगों को एक सर्किल बना के दिखाता हूँ, ये जो इक्वेशन थी ना अभी उसी को ड्रॉ करते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अगर आप देखो ये एक सर्किल आपको नजर आ रहा है, परफेक्ट सा सर्किल है, वो जो मैंने बताया था 2 माइनस 2, ये सब सारे पॉइंट हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो अभी हमने ड्रॉ किया था। अब अगर मैं, अब देखो स्केलिंग इसकी अभी बिल्कुल इक्वल है, देखो x एक्सिस पे ये पूरी चीज 2 के बराबर है, y एक्सिस पे भी ये पूरी चीज 2 के बराबर है। लेकिन अगर मैं इसकी स्केलिंग अब चेंज करूंगा ना, देखना क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं y एक्सिस की स्केलिंग चेंज कर देता हूँ, अब देखो फर्क क्या पड़ा, ये इतनी सी चीज जो है वो यहाँ पे 2 के बराबर है जबकि ये पूरी चीज यहाँ पे 2 के बराबर है। अब वही सर्किल था, मैंने स्केलिंग चेंज किया, अभी इलिप्स बन गया है। तो कुछ शेप में तो आपको स्केलिंग चेंज करने से फर्क नजर नहीं आता, लेकिन कुछ शेप में अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की स्केलिंग आपने अलग कर दी तो वहां पर ये अजीब शेप अजीब बन जाएगी, अभी इलिप्स बन गया। अच्छा, मैं और इसकी स्केलिंग खराब करूंगा, ये देखो ये पूरी चीज, अगर आप एक्स एक्सिस पे देखो इतनी सी चीज जो है ये 2 के बराबर है जबकि वाई एक्सिस पे ये पूरी चीज 2 के बराबर है। तो देखो अब क्या शेप बन गई है, क्या से क्या पूरा बन गया। तो इस चीज का आपने ख्याल रख लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिसके अंदर आप स्केलिंग सेम नहीं रख सकते, वरना आप ग्राफ को व्यू नहीं कर पाओगे, वो ग्राफ देखने में आपको इतना मसला हो जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर आपने उसमें स्केलिंग सेम कर दी तो वो इतना लेवल मजा नहीं आएगा, खासतौर पर अगर डिग्री में आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो 1 डिग्री और वाई एक्सिस में आपने सेम अगर कर दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। हाँ, रेडियन में करो तो फिर चलो इतना फर्क पता नहीं चलेगा, लेकिन डिग्री के अंदर आपको फर्क बहुत बड़ा पता चलेगा। खैर, इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं बता रहा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स 4 भी इसी टाइप का होगा, बस उनमें ना 19-20 का फर्क होगा, ट्रेंड इसी टाइप की शेप बन रही होगी। अच्छा, अगर आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे अभी डाउनवर्ड हो जाएगा इस तरह, इसी तरह इसको भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो डाउनवर्ड हो जाएगा, उसकी हम फिलहाल बात नहीं कर रहे। असल मसला क्या है कि इन दोनों में फर्क क्या होगा, इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 क्या फर्क क्या नजर आएगा, ग्राफ आपको इसी टाइप का नजर आएगा। वो फर्क क्या है, 1,1 पॉइंट से पहले इन सब में अगर आप x की जगह 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी आपको 1 मिल रही होगी। तो ये वो पॉइंट है जो इन पॉइंट से पहले और बाद में इन कर्व में बिहेवियर में फर्क नजर आएगा आपको। जैसे ये जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है एज कंपेयर टू एक्स 4,
होगा है कि 1.1 पॉइंट से x की वैल्यू अगर इस पॉइंट से पहले आप आओगे तो x आपका छोटा होगा, फॉर एग्जांपल 0.5, 0.2, 0.3। तो जब आप इसमें 0.5 या 0.3 या कोई भी 1 से छोटा नंबर पुट करोगे ना, तो उसका स्क्वायर छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कैलकुलेटर हम निकालते हैं और कैलकुलेटर मेरा गायब हो गया, नहीं ये मिल गया मुझे कैलकुलेटर। तो फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं 0.1 का स्क्वायर करते हैं, तो देखो 0.1 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 0.01। लेकिन अगर मैं 0.1 की पावर 4 करूं तो देखो कितना छोटा नंबर आ गया। तो कहने का मतलब 1x की 1 वैल्यू से अगर आप कोई छोटी x वैल्यू पुट करोगे ना, तो इसका आंसर बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो अब इसका फर्क आपको कैसे नजर आएगा कि फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो ये ग्राफ में 1.1 पॉइंट है, तो इसके और इसके ग्राफ में फर्क ये होगा कि 1.1 पॉइंट से इसका ग्राफ ना x एक्सिस से काफी मिला हुआ होगा। मतलब शायद इसका ग्राफ इस टाइप का हो, ये देखो ये मैं x एक्सिस से बिल्कुल मिला रहा हूं इसको, ये 1.1 पॉइंट से पहले मैंने इसको x एक्सिस के क्लोज कर दिया। क्लोज करने की वजह यह है कि इसकी y वैल्यू छोटी होगी, मतलब इस 1.1 पॉइंट से पहले जो भी आप x वैल्यू पुट करोगे तो आपका ग्राफ x एक्सिस के साथ लगा हुआ होगा, क्योंकि आपका ग्राफ x एक्सिस से ऊपर उस वक्त होगा जब y वैल्यू ग्रेटर है ना। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल 0.1 फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू लेते हैं, तो ये यहाँ पे कहीं आ रही है, ये x की वैल्यू 0.1 है, ये y की वैल्यू 0.1 है। लेकिन अगर 0.1 पे आपको आंसर 0.01 मिल रहा है, मतलब y वैल्यू आपकी छोटी होगी है ना, तो वो कहीं यहाँ पे आएगा, बहुत नीचे पॉइंट हो जाएगा वो। 0.1 पे आपको y वैल्यू जब कम मिल रही है तो वो पॉइंट काफी x एक्सिस के करीब हो जाएगा। तो दैट्स वाई 1.1 पॉइंट से आप देखोगे कि इसका ग्राफ जो है वो काफी नीचे होगा एज कम्पेयर टू दिस। इसी तरह अगर आप इसका और इसका कंपेरिजन करोगे तो इसका ग्राफ और नीचे होगा इससे x 1.1 पॉइंट से पहले। लेकिन 1.1 पॉइंट के बाद क्या होगा, रैपिड इंक्रीज होगा। जैसे 1 के बाद अगर मैं यहां पे 2 पुट करूंगा तो आंसर 4 आएगा, यहां पे 2 पुट करूंगा 16 आएगा, यहां पे अगर 2 पुट करूंगा तो 64 आएगा। तो 1.1 के बाद आप देखोगे एक रैपिड इंक्रीज इनके अंदर आएगा। ये फर्क अब भी आपको मैं ग्राफ से दिखाने लगा हूं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये आपको एक ग्राफ नजर आ गया, काफी प्यारा सा ग्राफ है। अच्छा स्केलिंग थोड़ी डिफरेंट हुई है, मैं सेम कर लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हाँ सेम है। अच्छा जी अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं अब यहाँ पे बनाता हूँ y इज इक्वल टू x टू द पावर 4। ये देखो ये है 0.1.1, 1.1 पे सब इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ग्राफ। आप देखो 1.1 पॉइंट से हो क्या रहा है, पहले ये ग्राफ जो है ये ब्लू वाला ग्राफ जो ऊपर वाला ग्राफ है ना ये एक्स स्क्वायर का, तो देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ x एक्सिस से थोड़ा ऊपर है, जबकि जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये x एक्सिस के साथ लगा हुआ है, बल्कि इस वाले पॉइंट पे आप देखो ये कितना x एक्सिस के साथ लगा हुआ है ग्रीन वाला ग्राफ, और एज कंपेयर टू ब्लू ये नीचे है। लेकिन जैसी 1.1 पॉइंट के बाद ये ग्रीन वाला कितना रैपिड इंक्रीज कर रहा है, ब्लू वाला आहिस्ता 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 ऊपर जा रहा है, ठीक है। यही चीज आपको नजर आएगी अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा इससे भी बड़ा, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर, सॉरी x की पावर 6। तो अब आप देखो जरा इसमें, अब ये देखो ब्लैक जो पता नहीं कौन सा कलर पर्पल कलर है, ये देखो ग्रीन से भी नीचे अभी, तो 1.1 पॉइंट से पहले ग्रीन से भी अब नीचे हो गया। लेकिन 1.1 पॉइंट के बाद देखो ये ग्रीन से भी स्टीप है, मतलब और इसका स्लोप ज्यादा है इसका, तो ये इनका असर पड़ रहा होता है। इसी तरीके से अब आप आ जाओ कि अब ये अब ट्रेंड आपने देख लेना है, ये इसी टाइप के ग्राफ आपको नजर आएंगे, लेकिन 19-20 का फर्क होगा। अब देखो ये काम की बात है ना, ये ड्रॉ करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो टी टेबल ले रहे हैं ड्रॉ करने, इसमें मैं क्या आपको बताऊं, कोई नई बात सीखो ताकि मजा भी आए आपको। इसी तरह आप इसकी बात करो y = x³ या y = x⁵, इनका भी सेम ट्रेंड आपको नजर आएगा। वो ट्रेंड क्या होगा, ये एक इस टाइप का होगा और एक इस टाइप का होगा। सेम x³ का भी यही ग्राफ होता है, ये x³ का उन्होंने बनाया है, अगर x⁵ का बनाओगे उसमें भी यही होगा। फर्क क्या होगा इनके अंदर, फर्क अगेन वही बात जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं यहां पे। फर्क ये होगा कि अगर आप x क्यूब की बात करो, अगर आप 1, 0 से बाद कुछ वैल्यू पुट करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर 1 पुट कर रहा हूं, तो इसके अंदर मैं 1 पुट करूं या इसके अंदर 1 पुट करूं, आंसर तो सेम ही आएगा, मतलब 1.1 पॉइंट सेम ही होगा। लेकिन फर्क ये है कि अगर 1 से छोटा कोई वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू पुट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं 0.1 पुट कर रहा हूं, तो 0.1 का क्यूब बड़ा होता है एज कंपेयर टू 0.1 की पावर 5। तो अगेन वही चीज आपको नजर आएगी कि 1.1 पॉइंट से पहले ये वाला ग्राफ थोड़ा नीचे होगा और ये वाला ग्राफ थोड़ा ऊपर होगा, और 1.1 पॉइंट के बाद आपको एक स्टीपनेस नजर आ रही होगी। अच्छा ट्रेंड यही होगा, इसी टाइप का आपको नजर आ रहा होगा, ये यूं करके नजर आ रहा होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स वही बात जो मैंने आप लोगों को बोली थी कि मैं इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया था, तो चीज़ें जो है वो मिस हो रही थी,
तो खैर क्यूबिक फंक्शन के बारे में बता रहा था, तो जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो मैं दोबारा यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ। वो ये है कि सिंपल अगर आप क्यूबिक फंक्शन की बात करो ना, तो बेसिक सा क्यूबिक फंक्शन जो है वो ये होता है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसमें एक्स इंटरसेप्ट ज़ीरो के ऊपर आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है। ठीक है, अभी एक्स इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर वेरिएशन ये आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल देखो ये एक्स क्यूब है, इसी तरह एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6, इनमें तो ये ट्रेंड है जो आपको नज़र आ रहा है वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन अभी मैं स्पेसिफिकली सिर्फ क्यूबिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा क्यूबिक फंक्शन की ऐसी शेप नहीं होती, खैर बाकियों की भी ऐसी नहीं होती, लेकिन क्यूबिक काफ़ी मशहूर है तो इसलिए मैंने कहा डिटेल में इसके बारे में बता दूँ आप लोगों को। ये जो क्यूबिक फंक्शन है इसमें एक ही एक्स इंटरसेप्ट आपको नज़र आ रहा है वो जीरो है। ठीक है, जब आप वाई की जगह जीरो पुट करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, जीरो आ रहा है। कुछ ऐसे भी क्यूबिक फंक्शन है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक बनाना चाह रहा हूँ, एक्स माइनस वन का होल क्यूब। अब फ़र्क ये हुआ कि शेप इसकी भी यही होगी, मैंने क्या किया बस माइनस वन इसको राइट, जब मैं इनपुट के अंदर माइनस वन करता हूँ तो राइट पे चला जाता है ग्राफ। तो ये अभी भी अगर आप देखो इसका एक ही एक्स इंटरसेप्ट है, अब वन के ऊपर है एक्स इंटरसेप्ट, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, शेप एग्जैक्ट आपको ही नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखो एक्स इंटरसेप्ट निकालो तो एक ही एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है, तो आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अच्छा इसको आप सॉल्व कर सकते थे, जो मैंने एक्स माइनस वन का होल क्यूब है ना, इसको आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते थे, वाई इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर फिर प्लस थ्री एक्स और फिर माइनस वन, तो उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो ये क्यूबिक फंक्शन की ना जनरल फॉर्म क्या होती है कि क्यूब वाली टर्म होती है, एक स्क्वायर वाली होती है, एक एक्स वाली टर्म होती है और एक कांस्टेंट होता है। तो अभी चार टर्म आ रही होती है ना, तो ज़रूरी नहीं कि इन चार टर्म आ रही होंगी तो सेम ही शेप बनेगी। अब देखो इधर चार टर्म जो आ रही हैं उसमें ये ब्लू वाली शेप इस टाइप की बन रही है, लेकिन अब जो चार टर्म आएंगी ना इसके अंदर, उनमें शेप की कोई और चीज़ बन रही होगी, वो आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ। अगर आप ये देखो एक्स माइनस टू, अब ये क्यूबिक अब इस क्यूबिक फंक्शन देखो ग्रीन वाला जो है, ये असल में ज़्यादातर आप क्यूबिक फंक्शन देखोगे उनकी यही शेप होती है जो ग्रीन वाले की है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्यूबिक में तीन इंटरसेप्ट आपके पास आ रहे होते हैं। अगर वो इमेजनरी है तो फिर वो एक इंटरसेप्ट आ रहा होगा, बाकी दो इमेजनरी होंगे तो फिर भी वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर क्रॉस करेगा। लेकिन जनरलाइज अगर आप बात करो तो क्यूबिक जब आप देखते हो ना तो नॉर्मली तीन पॉइंट पर क्रॉस कर रहे होते हैं। मैंने जो इक्वेशन बनाई है उसका एक एक्स जीरो पर क्रॉस करेगा, एक वन पर और एक टू पर, जो आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है जीरो पे, वन पे, टू पे। तो ये जनरल शेप क्यूबिक फंक्शन की होती है। या तो आपका क्यूबिक फंक्शन इस टाइप का होगा, ठीक है, अगर आप एक्स क्यूब को नेगेटिव कर दोगे तो ये उल्टी शेप बन जाएगी, ये उल्टा सा हो जाएगा पूरा, रहेंगे अभी वही इंटरसेप्ट लेकिन अब ये उल्टा हो जाएगा, अब लेफ्ट से डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर इंक्रीज़ होगा। अगर माइनस आप नहीं लगाते तो लेफ़्ट से इंक्रीज़ हो रहा था ये, फिर डिक्रीज़ हो रहा था। तो ये जनरल क्यूबिक की शेप होती है, ठीक है, अनलेस अगर कोई इमेजनरी है। अब इमेजनरी बनाने का तरीका तो खैर अब यहाँ पे ग्राफ में शायद वो ना बने, लेकिन आप इमेजनरी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब इस इक्वेशन देखो ये ग्रीन है, लेकिन इसमें अगर आप देखो आपको ट्रेंड तो वही नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, वो ये वाला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? माइनस 2.325। उसकी वजह ये कि वैसे तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन जब आप इसमें वाई की जगह जीरो पुट करके इसको सॉल्व करोगे ना, तो बाकी जो दो एक्स की वैल्यूज़ होंगी वो इमेजनरी होंगी, ठीक है। तो इस वाले केस में बाकी दो इमेजनरी आ रही होंगी, तो शेप तो देखो वही है इसकी जो नॉर्मल आपको पहले नज़र आई थी, लेकिन वो जो शेप पे जो तीन इंटरसेप्ट मिलते थे वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाकी दो जो हैं वो इमेजनरी होंगे, ये आपका प्रॉपर रियल इंटरसेप्ट है। जबकि ये जो ऊपर एक्स माइनस वन होल क्यूब वाली थी, इसकी शेप ये ब्लू वाली बन रही है। अब इसमें भी तीन इंटरसेप्ट हैं, लेकिन तीन इंटरसेप्ट इक्वल हैं, वो मतलब तीनों इंटरसेप्ट क्या वन के बराबर है, दैट्स वाई आपको थोड़ी इस किस्म की शेप नज़र आ रही थी। तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क आपको क्यूबिक फंक्शन के अंदर नज़र आ रहा होता है। अभी आप आ जाओ, मिटाना नहीं चाहिए था लेकिन खैर मिटा दिए मैंने। एक्स क्यूब की बात करते हैं, तो ये एक्स क्यूब का ट्रेंड मैंने आपको बताया इस टाइप का नज़र आएगा आपको। अब इसके साथ हम एक्स फाइव का भी बना लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। तो अब देखो वही चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो 1.1 पॉइंट है इससे पहले रेड ग्राफ जो है वो नीचे आपको नजर आएगा, एक्स एक्सिस के करीब है, लेकिन 1.1 पॉइंट के बाद रैपिड ये इंक्रीज कर रहा है एज कम्पेयर टू पर्पल से। तो वही जो बताया यही ट्रेंड आपको नजर आएगा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 में, इसी टाइप का ग्राफ आपको नजर आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। ट्रेंड आपको आपको दिखने में अगर सिर्फ एक ग्राफ बना हुआ होगा तो आपको फर्क पता नहीं चलेगा इतना। अगर मैं सिंपल वाई इज इक्वल टू एक्स फाइव का बनाऊँ आपको पता नहीं चलेगा यार ये एक्स क्यूब का एक्स फाइव का है। अगर आप बहुत ऑब्जर्व करोगे तब समझ आई जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन एक ट्रेंड वही होगा। इसी तरह देखो एक्स की पावर 7 का वही है, लेकिन अब आपको थोड़ा आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं यार ये थोड़ा एक्स एक्सिस से काफी चिपका हुआ है, तो यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी यार ये एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं है, लेकिन ट्रेंड एक वही है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं।
अब यही बातें सारी बुक ने लिखी हुई है बोरिंग बोरिंग सी। खैर ये तो नहीं लिखी हुई उन्होंने, तो बस ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है कि ये एक्स क्यूब के उन्होंने टी टेबल यहाँ पे पिक किया हुआ है, ठीक है, कुछ नेगेटिव वैल्यू ली हुई है, कुछ पॉजिटिव ली हुई है। अब अगर यही ग्राफ पेपर में आते हैं तो भाई यही छाप देना, ठीक है। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ कि वैल्यूज ना कभी कुछ आसानी के लिए, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज कौन सी पिक करोगे, अगर आप नेगेटिव में कुछ बड़ी बड़ी वैल्यूज पिक कर लो, फॉर एग्जांपल आप -4, -3 इस टाइप की नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो वो आंसर बहुत बड़े होते जाएंगे। जैसे -4 का जब आप क्यूब करोगे, फिर नेगेटिव वैल्यू का क्यूब करोगे तो -4 का क्यूब हो जाएगा -64। अब -64 आपके लिए ग्राफ पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा, काफी मसले होंगे, मजा नहीं आएगा आपको इतना। तो दैट्स वाई जो बड़ी बड़ी वैल्यूज इसके अंदर आ रही होती है ना, आप उसमें कोशिश करो आप अपना एक छोटा ही रखो। जैसे उन्होंने मैक्सिमम -2.5 पे गए क्योंकि उस पर देखो आपको आंसर -15 मिल रहा है। बाकी मैं ड्रॉ करने का भी तरीका बताऊंगा, वाई एक्सिस पे स्केलिंग हम छोटी करेंगे एज कम्पेयर टू एक्स एक्सिस पे, लेकिन इन ग्राफ में आपने ख्याल रखना है कि एक्स को छोटा करो ताकि ग्राफ देखने में आपको काफी आसानी हो जाएगी। तो छोटी छोटी वैल्यूज ये कुछ इतनी ना पुट करो, बेशक आप टोटल ये समझ लो 5-6 पॉइंट भी काफी होते हैं पहचानने के लिए। तो 2-3 आप नेगेटिव ले लेना, जैसे -2, -1.5, -1 ले लो फॉर एग्जांपल, या -0.5, -1, या इस तरह भी आप ले सकते हो -1, -2, -3 मैक्सिमम इतना चले जाओ, लेकिन -3 पे भी आपको -27 मिल रहा होगा। तो कोई भी नेगेटिव -0.5, -1, -1.5 या -2 चलो 4 ले लिया आपने, यहाँ पे 0, 0.5, 1, 1.5, 2 इतना ले लो आप, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो बुक ने आपके 8, 9, 10 पॉइंट लिए वही आपने लेने। इसी तरीके से अगर आप इस पे आओ तो देखो मैक्सिमम -2 पुट करो, -2 के बाद अगर आप पुट करोगे तो वैल्यूज बहुत बड़ी होती जाएंगी। तो -2, -1.5 आप इतना भी पुट कर सकते हो, 0 के बाद -0.5, -1, -1.5 इतना भी अगर आप पुट कर लोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो बहरहाल ये करना इतना मुश्किल नहीं, ग्राफ पे हम देखेंगे तब आप लोग सीख जाओगे। अब दूसरा केस था कि जब n नेगेटिव होगा तब क्या होगा, ये तो आपने n पॉजिटिव पे देखे ना। n नेगेटिव का मतलब सबसे पहले ये हो जाएगा y = x^-1, y = x^-2, y = x^-3, y = x^-4, y = x^-5। इसमें क्या होगा, ये तो सिंपल होगा y = 1/x, ये हो जाएगा 1/x², x³, x⁴, x⁵। 1/x, 1/x³, 1/x⁵ इन पे आपको सेम ट्रेंड नजर आ रहा होगा। वो ट्रेंड क्या होगा, वो इस टाइप का ट्रेंड होगा कि एक आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, एक आपको नीचे नजर आ रहा होगा। वो थोड़ा बहुत फर्क है, वो मैं बताता हूँ फर्क क्या है यहाँ पे। इसे 1/x², 1/x⁴ या 1/x⁶ में आपको एक ट्रेंड नजर आ रहा होगा कि एक सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पे एक फर्स्ट में था, एक थर्ड में था। तो ये है कि अगर आपके पास ऑड पावर्स हैं x, x³, x⁵, ये है कि अगर आपके पास इवन है x², x⁴, ये ट्रेंड है। अब इनमें फर्क क्या होगा, अगेन माइन्यूटली सा फर्क होगा। वो फर्क ये है कि फॉर एग्जांपल 1/x को 1/x³ को अगर हम कंपैरिजन करें इनका, तो शेप तो इनकी इसी किस्म की होगी, बस फर्क क्या होगा कि यहां पे जब आप x कुछ पॉजिटिव पुट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे x पुट करता हूं, फॉर एग्जांपल 5 पुट करता हूं, तो y वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। लेकिन अगर मैं यहां पे x की जगह 5 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, तो ये हो जाएगा 1/125। मतलब वैल्यू जो है वो बहुत छोटी हो जाएगी। यहां पे 5 पुट किया था तो वैल्यू बड़ी आई थी, यहां पे तो बहुत छोटी आई है। तो होगा ये कि जैसे आप 1 से ग्रेटर, देखो 1 पुट करोगे तब तो फर्क नहीं पता चलेगा ना, इसके अंदर 1 पुट करो या इसके अंदर 1 पुट करो आंसर 1 ही आएगा। तो 1, 1 पॉइंट पे तो ये दोनों सेम होंगे। अच्छा अगर आप इस पॉइंट से आगे जाओगे ना, कोई और एक्स वैल्यू पुट करोगे, तो इसके आंसर बड़े होंगे, इसके आंसर छोटे होंगे। तभी आप देखोगे इस पॉइंट के बाद इफेक्ट क्या होगा कि ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे लगा हुआ होगा, जो कि यहां पे उल्टा होता था, 1 के बाद वो एक्स एक्सिस से और भागता था, लेकिन ये रेसिप्रोकल है ना। तो 1 पॉइंट के बाद आप देखोगे ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के बिल्कुल साथ जा रहा होगा, मतलब जितना एक्स बढ़ता जाएगा ये एक्स एक्सिस के बहुत करीब होगा एज कम्पेयर टू दिस। इसी तरह ये जो है ये और करीब होगा एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन 1, 1 पॉइंट से पहले क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर मैं 1 से छोटी वैल्यू पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 0.1 पुट करता हूँ, तो 1/0.1 क्या होता है 10। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0.1 पुट करूंगा ना, तो 0.1 का क्यूब आएगा 0.001 होगा, और जब मैं उसको 1/ करूंगा तो आंसर मेरा 100,000 या 10,000 पता नहीं ऐसा कुछ आ रहा होगा, वो आप लोग कैलकुलेटर चेक कर लेना। तो 1 पॉइंट से पहले अगर आप कुछ पुट कर रहे हो ना, तो इस वाले फंक्शन में आंसर छोटा आ रहा है और इसमें बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। तो ये बात आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे ही 1, 1 पॉइंट से पहले आओगे ना, तो ये बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा होगा, और जो ये वाला ग्राफ है ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कर रहा होगा। अब इसको जरा हम ऑब्जर्व, सॉरी इसको हम ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप ड्रॉ करो y = 1/(x), तो ये आपको इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। अब कंपैरिजन करने के लिए दूसरा भी होना चाहिए, तो हम यहां ड्रॉ करते हैं 1 y = 1
डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो देखो ये इसका ग्रीन ग्राफ है दूसरा वाला ग्राफ से। अब देखो ये है 1.1 पॉइंट, इससे पहले ग्रीन ग्राफ देखो कितना एक्स एक्सिस के नीचे लगा हुआ है। ये तो यहाँ पे तो आपको दिखने में लग रहा है मिल गया, लेकिन मिला नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया होगा एज एम टोट्स का, तो ये जो आपके पास बनते हैं ना इनको रैशनल फंक्शन आप कहते हो। रैशनल फंक्शन में आपको एज एम टोट मिलते हैं, सब में आपको दो एज एम टोट मिल रहे होते हैं, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। तो दिखने में आपको लग रहा है इंटरसेक्ट कर रहे, लेकिन फर्क अभी भी होगा, वो जब आप करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखो कुछ ना कुछ फर्क है इसके अंदर, वो खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। इसी तरीके से 1.1 पॉइंट के बाद देखो तो ग्रीन वाला कितना जल्दी इंक्रीज कर रहा है। देखो 1.1 पॉइंट यहाँ पे हल्का सा एक्स पीछे आ रहा है, तो देखो कितना एकदम से ऊपर चला गया एज कम्पेयर टू ब्लू ग्राफ। तो ये चीज आपको नजर आएगी। अच्छा अगर आप यहाँ पे दूसरा ड्रॉ करोगे तो ये बात आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एक्स टू द पावर एक्स फाइव करूंगा, तो अब ये देखो ये ब्लैक वाला ग्राफ ये कितना, और ये ब्लैक नहीं पर्पल वाला ग्राफ कितना नीचे चला गया एज कम्पेयर टू, आप लोगों को नजर तो आ रहा होगा ना, हाँ एज कम्पेयर टू ये जो पर्पल ग्राफ 1.1 के बाद कितना जल्दी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कितना जल्दी डिक्रीज कर रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। सेम चीज अगर आप इसमें आओ ना तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा ये जो 1/x² है 1/x4 है। अब इनका ग्राफ इस किस्म का आपको नजर आएगा, फर्क आपको वही चीज नजर आएगी ये जो 1.1 पॉइंट है ना, जहां पे भी 1.1 के बाद अगर आप, अच्छा ये नेगेटिव में भी आप फॉलो कर सकते हो, नेगेटिव में भी सेम यही ट्रेंड होगा। नेगेटिव पे भी आओ, ये पॉइंट जो है ये -1.1 है, -1.-1 है। तो अगर इसमें भी आप ये बात ऑब्जर्व करोगे, जैसे ही अगर आपका नंबर कोई -1 से छोटा है मतलब -2, -3, -4 है, तो जो पर्पल वाला ग्राफ है अगेन ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल करीब लगा हुआ होगा एज कम्पेयर टू ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ना। हाँ तो सेम ट्रेंड जो आपको उधर नजर आ रहा है यहाँ पे वही ट्रेंड नजर आ रहा होगा, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा यहाँ पे। अच्छा जी, तो अब इनकी अगर आप बात करो इनके आपको ग्राफ इसी टाइप के नजर आएंगे, 1/x², 1/x4, 1/x6 आपको ये चीज नजर आएगी। और यहाँ पे आप अगेन वही बात ऑब्जर्व करोगे कि 1.1 पॉइंट से अगर आप आगे जाओगे तो ये वैल्यू जो है ये छोटी होगी, लेकिन ये बहुत जल्दी छोटी होगी, तो ये एक्स एक्सिस के बहुत करीब लगी हुई होगी। सेम ये ट्रेंड है, तो डिले करने से बेहतर है मैं आपको यही बता देता हूँ। ये है 1/x² का, अच्छा यहाँ पे हम 1/x4 का ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम x6 का ड्रॉ करते हैं। तो अभी देख लो, सबसे पहले ब्लू ग्राफ को आप देखो, ये ब्लू ग्राफ है देखो अभी ऊपर है, उसके बाद ग्रीन ग्राफ है, उसके बाद पर्पल ग्राफ है। जितनी x की पावर ग्रेटर होगी वो x एक्सिस से चिपका हुआ होगा, और ट्रेंड आपको सेम ही नजर आ रहा है। ये ट्रेंड है पूरा इस टाइप का, आपको एक ट्रेंड नजर आ रहा होगा। और अगेन इनके अंदर भी आपको दो एजम्प्टोट मिलेंगे, एक x एक्सिस इनका एजम्प्टोट है और एक y एक्सिस इनका एजम्प्टोट है। तो y एक्सिस के पास आपको दिखने में लग रहा है अप्रोच कर रहे हैं, लगेगा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे होंगे इंटरसेक्ट, फर्क होगा इनके अंदर। तो अब यही चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई, इनको ड्रॉ किया हुआ है, ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक सेकंड, बैटरी लो हो रही है। ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं उसको, वही टी टेबल आपने पिक करना है। अच्छा यहाँ पे आप बड़ी वैल्यूज भी ले सकते हो क्योंकि आंसर आपके काफी छोटे होंगे। हाँ, 1 से छोटी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं ले लेना, 0.1 इस टाइप की वैल्यू नहीं ले लेना, वो फिर बड़े ग्राफों में मसला होगा आपको। जैसे इन वाले ग्राफों में अगर आप देखो 0.9 तक इन्होंने लिया हुआ है, 0.5 भी अगर शायद लोगे तो आंसर बहुत बड़ा आएगा आपका। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि 1 से छोटा, देखो 0.7 पे 4.16 आ रहा है, तो अगर इसमें आप 0.5 पुट करेंगे 1/0.5 की पावर 4, तो देखो आंसर 16 आ रहा है। तो चलो 0.5 तक भी चले जाओ, 16 भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना जाना क्योंकि उसकी वजह ये कि ये वैल्यूज बड़ी छोटी हैं। अगर आपका वाई एक्सिस में आप 16 तक अपनी स्केलिंग करोगे तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल एक्स एक्सिस से जुड़े हुए मिलेंगे, आप स्केलिंग की अपनी सही तरह नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखो बुक ने जो स्केलिंग की हुई है किसी खास तहत की हुई है, मतलब ये कॉन्सेप्ट लगा के किया हुआ है। तो एग्जैक्टली इन्हीं किसी मैं आप लोगों को ना आइडिया दे रहा हूँ कि इनमें एक चीज़ का बस आपने ध्यान रखना है कि बड़ी बड़ी वैल्यूज आपने -1 से जितनी छोटी वैल्यू पुट करोगे उतना मसला होगा। तो कोशिश करना -1 के बाद, नहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब 0.9 पुट कर लो, 0.8 मैक्सिमम 0.7, उसके बाद अगर पुट करोगे ना तो ये वैल्यूज बहुत बड़ी होंगी एज कम्पेयर टू दीज। तो जब आप स्केलिंग करोगे तो मसला होगा आप लोगों को। तो इनमें अब ये बुक वालों ने देखो यही हिकमत अमली इस्तेमाल की हुई, आप लोग भी इस्तेमाल करना, वरना फिर आप लोगों का ग्राफ सही तरीके से नहीं बन रहा होगा। अब देखो अब मैं हर एक को अगर ड्रॉ करने लग गया मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, दैट्स व्हाई मैं आपको एक असूल बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट अगर आप लोग रख लोगे ना अब किस दुनिया का किसी किस्म का फंक्शन भी आ जाएगा। आप अगर ऑब्जर्व करोगे यार उसकी वैल्यूज बहुत बड़ी होती जा रही है, तो आप वो वैल्यूज पुट करो जो एक ऑप्टिमल वैल्यू आपको मिल जाए, बहुत बड़ी भी ना हो, जिसको आप स्केलिंग करके आसानी से ड्रॉ कर लो। ये चीज आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है 1/x² में, आप देखो 0.5 तक यहाँ पे जा सकते हो, थोड़ा छोटा है यहाँ पे, लेकिन इधर नहीं चले जाना, 0.5 पे बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाएगी।
तो ये इन्हीं कॉन्सेप्ट को जहन में रखना। ये खैर सवाल पेपर में आएंगे नहीं, लेकिन अगर आप ही गए तो जरा आइडिया आपको पता होना चाहिए। ये आइडिया बस आपने लेना है, कोई इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए कि यार इसमें आपने कितनी वैल्यूज ले सकते हो आप। अब पेपर में रटा नहीं मानना कि भाई बुक वालों ने 0.7 तक गए थे, हम भी 0.7 तक जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और बुक वालों ने ना एक इसकी आसानी की भी है, उन्होंने मेंशन क्या किया हुआ कि जो X4 है ना, इसमें आप पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो, वैल्यू आपको वाई वैल्यू सेम मिलेगी। तो उन्होंने दो एक्स, ये बेसिकली दो पॉइंट है जिनको उन्होंने एक की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ। दो पॉइंट पता है कौन से है? एक्स वैल्यू है 2.5, वाई वैल्यू है 0.02। x वैल्यू है -2.5, y वैल्यू 0.02। तो ये बेसिकली दो पॉइंट आपको यहाँ पे मिले, इसी तरह दो पॉइंट यहाँ से मिले, दो पॉइंट यहाँ से, करते करते अगर आप ऑब्जर्व करो ये तो बहुत ज्यादा आपको पॉइंट मिल जाएंगे। तो इतने ज्यादा आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल ये +-2, +-1.5, +-1, ये तीन पिक कर लेना, यहाँ पे 0.9 और 0.8 पिक कर लेना, दैट्स इट, ये भी काफी है। इवन अगर आप ये चार भी पिक कर लो ना, ये टोटल 8 पॉइंट बनेंगे। तो तब भी आपको मेन आईडी तो क्लियर होगा ना, आपको पता है 1/X4 का ट्रेंड इस किस्म का है। तो अगर आप ये देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कौन कौन से पॉइंट है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। फॉर एग्जाम्पल 1.5 आपने पिक किया, एक 2 पिक कर लेना, यहाँ पे एक 1 पिक कर लेना, ये तीन पॉइंट आपको जो इधर मिल लेना सेम यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि इनकी x वैल्यू का फर्क है, y वैल्यू सेम है। जैसे इस पॉइंट की y वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी y वैल्यू जो है फॉर एग्जाम्पल 0.19 है, इसकी भी 0.19 है। तो जो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा ना, सेम पॉइंट आपने यहाँ पे भी ड्रॉ करना है। तो ये तीन पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाए, तीन पॉइंट यहाँ पे मिल जाए, काफी है आपके लिए। मजीद चाह रहे तो चलो एक और 0.8 भी आपने ले लिया। और फिर आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ट्रेंड पता होना चाहिए वो ग्राफ होगा कैसे। अगर आपको पता है ना कि यार ये ग्राफ इस टाइप का एक्स एक्सिस से इस तरह नीचे लगा हुआ होगा, तो आप उसके मुताबिक ही फिर इसको आसानी से ज्वाइन कर दोगे। अगेन मैंने बताया था ये स्केचिंग चल रही है, क्योंकि एक्चुअल प्लॉट नहीं चल रहा कि जो आपको एक्यूरेट बिल्कुल मालूम करने को बोला गया। अच्छा, ये बात उन्होंने जनरलाइज बोल दी है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एन इज नेगेटिव ऑड, देन द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अच्छा, ये एक और चीज है, इवन ऑड फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि जब आपके पास ये जो ये वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल इसको अगर आप पिक कर लो, इसको पिक कर लो, इसको पिक कर लो, पावर ऑड है ना, तो ये सारे ऑड फंक्शन कहलाते हैं। ऑड फंक्शन में याद रखना वो हमेशा सिमेट्रिक होते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट से। अभी मैंने क्लास में बताया होगा इवन ऑड के अंदर कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक का मतलब क्या है, कि ग्राफ को अगर आप 180 डिग्री रोटेट कर लो ग्राफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जितने जिनमें इवन पावर है तो ये सिमेट्रिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, इनको आप इवन फंक्शन कहते हो, ठीक है, वो ऑड फंक्शन थे, इवन फंक्शन थे, तो ये सिमेट्रिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसमें भी सेम, इसमें भी आपको नजर आएगा जितने ऑड हैं वो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होंगे, मतलब वो ऑड फंक्शन है, और जिनकी पावर इवन है इसका मतलब वो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, मतलब इवन फंक्शन है। ये चीज लिखी है व्हेन एन इज नेगेटिव ऑड, व्हेन एन इज पॉजिटिव ऑड, दोनों में सेम बात है, नेगेटिव ऑड हो या पॉजिटिव ऑड हो, ग्राफ आपका सिमेट्रिक होगा हमेशा ओरिजिन में। और लिखा है इन दिस केस ऑल द ग्राफ हैव द सेम जनरल पैटर्न एज y इक्वल टू x क्यूब। जैसे मैंने बताया था इसको आप एलिमिनेट कर दो, ये y इक्वल टू x क्यूब का जो ग्राफ है ना, बाकी जितने भी ऑड पावर होंगे उनका ट्रेंड वही होगा जो x क्यूब का ट्रेंड है, मतलब ये वाला ट्रेंड आपको नजर आ रहा होगा। सेम रेसिप्रोकल में देखो, जो 1/x का ट्रेंड आपको नजर आ रहा है ना, वही 1/x³ का होगा, वही 1/x⁵ का होगा। यही बात आप इवन पे भी शामिल कर लेना, नेगेटिव इवन हो या पॉजिटिव इवन हो, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होता है। और ट्रेंड भी मैंने बताया यहाँ पे, ट्रेंड y इज इक्वल टू x² सेट कर रहा है, और यहाँ पे ट्रेंड 1/x² सेट कर रहा है। बाकी चीजें वो है कि अगर n आपके पास रैशनल है, और रैशनल में भी इन्होंने कौन सी वैल्यूज डिस्कस की हुई है, मतलब पावर में रैशनल तो हर किस्म का हो सकता है, 2/3, 5/4, इन्होंने सिंपल केस डिस्कस किए हैं, 1/2, 1/3, 1/4, मतलब ये है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, सिंपल लैंग्वेज में। और यहाँ पे जो इन्होंने ड्रॉ किया हुआ, उन्होंने पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही ड्रॉ किया हुआ, उन्होंने बोला कि x ग्रेटर देन 0 पे ड्रॉ करो। उसकी वजह है कि जो 1/2, 1/4 जो है ना, ये तो वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता है, लेकिन ये जो 1/3 है ये फर्स्ट में भी ड्रॉ होता है और थर्ड में भी ड्रॉ होता है। लेकिन उन्होंने सवाल में ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने x ग्रेटर देन 0 पे ही करना है, तो उसका मतलब हम सारा काम जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही कर रहे होंगे। अगेन इसमें भी आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, ये y इज इक्वल टू सिंपल जो आपके पास है ना, y इज इक्वल टू रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, फोर्थ रूट एक्स। असल में सिंपल लैंग्वेज में इसको इस तरह लिखोगे, ये स्क्वायर रूट की पावर 1/2, क्यूब रूट की पावर 1/3, इसकी पावर हो जाएगी 1/4। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इन तीन को असल में उन्होंने बोला ड्रॉ करने का। तो वाई इज इक्वल टू रूट एक्स जो है ना, उसका ग्राफ आपको इस टाइप का नजर आएगा। ये एक ट्रेंड है जो आपको बाकी में भी नजर आएगा, इसके अंदर भी वही ट्रेंड होगा, इसके अंदर भी वही ट्रेंड होगा। अगेन वही बात, वन पे सब सेम होंगे, इसमें वन पुट करो आंसर वन, सब में वन मिलेगा, तो एक 1.1 पॉइंट होगा। उसके बाद और पहले का बिहेवियर में फर्क होगा, मतलब अगर इसमें आप 1 से ऑब्जर्व कर सकते हो ना, फॉर एग्जांपल 1 से छोटा नंबर पुट किया 0.5, आप 0.5 का यहाँ पे स्क्वायर रूट लो,
0.5 का स्क्वायर रूट आप लोगे तो देखो आंसर मिला है 0.707। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसका क्यूब रूट लेते हो, क्यूब रूट लिखा हुआ है ना, हाँ, अगर आप 0.5 का क्यूब रूट लोगे तो देखो आंसर आपको क्या मिल रहा है, 0.79। मतलब इसके अंदर अगर आप 1 से छोटा कुछ पुट कर रहे हो ना तो आंसर छोटा आएगा एज कम्पेयर टू दिस। तो तभी आपको नजर आएगा कि 1 से पहले जब मैं जाऊंगा ना तो इसका ग्राफ नीचे होगा और इसका ग्राफ ऊपर होगा। सेम अगर आप इनका कंपैरिजन करो, इसके अंदर मैं 0.5 पुट करूं, इसका आंसर बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दिस। पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक बटन भी था जिसमें आप अपने हिसाब से पुट कर सकते थे ना, वो बटन पता नहीं कहाँ पे, खैर मैं इसको डिलीट करके 4 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 0.5 पुट कर देता हूँ। एक सेकेंड, तो 0.5 का 4th रूट अगर आप लोगे तो देखो आंसर मिल रहा है 0.84। और देखो वैल्यू का फर्क है, तो ये ग्राफ ऊपर होगा 1 से पहले, और 1 के बाद क्या हो जाएगा, 1 के बाद अगर आप ऑब्जर्व करो उल्टा हो जाएगा। 1 के बाद फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें 4 पुट करते हो तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 4 का क्यूब रूट 2 से छोटा होगा, 4 की पावर 4 और 2 से छोटी होगी, तो 1 के बाद ये वाला ग्राफ ऊपर हो जाएगा, बाकी ग्राफ जो है ऐसे ऐसे नीचे होते जाएंगे। इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो ग्राफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, सबसे पहले y इज इक्वल टू, अब देखो रूट और क्यूब रूट हर दफा, रूट तो स्क्वायर रूट तो अवेलेबल है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पावर इनकी डाल देता हूँ ना, पावर के हिसाब से हम ड्रॉ करते हैं। तो ये करते हैं, तो ये देखो ये आपको स्क्वायर रूट का ग्राफ मिल रहा है। साथ ही हम ड्रॉ करते हैं इसके y इज इक्वल टू x, और यहाँ पे हम पावर डालते हैं 1/3। अच्छा अगेन वही मैंने बताया था, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनेगा, लेकिन बुक ने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की हुई है जब x पॉजिटिव है, यहाँ की बात की हुई है। तो अगेन वही देखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1.1 है, 1.1 से ये क्यूब वाला ग्राफ जो है ये ऊपर है और स्क्वायर रूट वाला नीचे है, लेकिन 1.1 के बाद ये वाला ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये सारा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह y इक्वल टू x की पावर 1/4 भी आप कर सकते हो, वहां पे भी आपकी बात नजर आ रही होगी। अभी ये बातें बुक ने सारी लिखी हुई है, अगेन इन चीजों में आपने ख्याल रखना ड्रॉ करते हुए। अब इस वाले में, इन सब में बल्कि आपने x की जगह पॉजिटिव भी पुट करना है, मतलब जीरो से आपने स्टार्ट करना है, लेकिन खैर उन्होंने जीरो शामिल किया बनी है यहाँ पे, उन्होंने बोला था ग्रेटर देन जीरो पे जाओ, लेकिन खैर जीरो पे उन्होंने पुट भी किया हुआ है, लेकिन आप एज्यूम कर लो बुक वालों ने ये बात बोली है आपको, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अच्छा इनके टेबल आप किस तरीके से बनाओगे, इनमें भी आपने अगेन उस बात का ख्याल रखना है, वो बात क्या है कि यार इनकी स्केलिंग जो है ना, आपने जैसे पहले y एक्सिस में आप ज्यादा लाते थे, अब यहाँ पे x एक्सिस में आप ज्यादा लाओगे, क्योंकि अगर आप x की वैल्यूज देखो, क्योंकि y वैल्यू आपको छोटी मिलेगी ना, तो अब देखो y पे एक बॉक्स को 1 लिया हुआ, लेकिन वही x पे उन्होंने 2 लिया हुआ, तो x की स्केलिंग बड़ी करनी पड़ेगी आपको। जैसे स्क्वायर रूट का उन्होंने ड्रॉ किया हुआ 0, 1, 4, 9, 16 लिया हुआ। अच्छा मैं रिकमेंड करूंगा आप इनमें, इन्होंने तो वो वैल्यूज दी हुई है जो कि पॉइंट में आपको ना आंसर मिले, यहाँ पे पॉइंट में आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट वाला लिया हुआ है, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप पॉइंट में ना लाओ ना तो वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी। एक और गलती, यहाँ पे उन्होंने 1 शामिल नहीं किया हुआ, 1 तो लाजमी शामिल करना है आपको, तो अगर यहाँ पे 0, 1 और इसके बाद अगर आप इसी पैटर्न पे जाना चाह रहे हो ना, और आप चाह रहे हो कि पॉइंट में आंसर ना आए, तो आपको यहाँ पे 16 लेना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे 81 लेना पड़ेगा, इसका आंसर 0, इसका 1, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, तो ये आपके लिए ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो इस बात का ख्याल रखो, पॉइंट अगर आपके थोड़े फैले फैले से है ना, तो आप उनको आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। अगर सोचो अगर पॉइंट तीनों में यहाँ पे डाल दूं, तो अब मैं इनको ज्वाइन करूंगा, आगे मुझे पता ही नहीं है कुछ, या अगर दरमियान में इतना बड़ा गैप है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो मेरे लिए वो ज्वाइन करने में एरर मैं कर दूंगा काफी। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि फासले फासले पे आपने पॉइंट पिक किए हैं, तो यहाँ पे भी आप ये चीज फॉलो कर सकते हो कि आप 0, 1 ले लो, 1 के बाद फॉर एग्जाम्पल आपने 4 पे ले लो, फॉर एग्जाम्पल फिर आप 6 पे ले लो, फिर आप 9 पे ले लो। इसका फायदा ये होगा कि आपके पॉइंट, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इधर एक पॉइंट यहाँ पे क्यूब के अंदर, अब देखो इसके दौरान कोई बंदा थोड़ा नीचे से भी इस तरह भी मिला सकता है, कोई बंदा थोड़ा नीचे से इस तरह भी कर सकता है, तो एरर आ सकते हैं ना। तो बेहतर अगर यहाँ पे कि मुझे पॉइंट पता होता, तो मुझे पता होता यार अच्छा वाया इस तरीके से जाना है, इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे तो चलो इतना फर्क नहीं पता चलेगा, पॉइंट तकरीबन सेम ही है, यहाँ पे इतना सेम डिस्टेंस पे ही है, लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा आप 0, 1, 8 ले लो, 8 के बाद फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 15 ले लो या 16 ले लो, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल 27 ले लो, मतलब एक दरमियान में पॉइंट ले लो, और पॉइंट में आंसर आ जाता है कोई मसला नहीं है, यहाँ पे भी तो पॉइंट में आया है ना, तो जो फंक्शन है ना आप कैलकुलेटर में जाओ, इसमें फॉर एग्जांपल 16 पुट करो, 16 का जो भी क्यूब रूट है आप यहाँ पे पुट कर दो, पॉइंट में है तो यहाँ पे भी पॉइंट में था। तो फायदा ये होगा कि आपके पास ट्रेंड काफी अच्छा, आपको आसानी से ज्वाइन कर लोगे, आपके पास कर्व अच्छा आ जाएगा, यहाँ पे भी जब पॉइंट में उन्होंने किया हुआ है, तो यहाँ पे फिर क्या मसला है, यहाँ पे भी आप ले सकते हो। तो आपने यहाँ पे एक्स वैल्यूज जो है वो 15, 20, 25 तक मैक्सिमम आप ले लो, वरना फिर इससे बड़ी लोगे ना तो मसला वही आ जाएगा, स्केलिंग बहुत बड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, इशूज आ सकते हैं।
तो 25-30 तक आपने एक्स एक्सिस में पूरी स्केलिंग ले ली। इसी तरह वाई में जो है मैक्सिमम आपको इसमें तो वाई वैल्यू चलो आपको मिल जाएगी कुछ 4 के करीब मिल रही है, इसमें वाई वैल्यू 3 है, इसमें वाई वैल्यू 2 है। तो इस वाले में वाई एक्सिस थोड़ा और बड़ा कर देना ताकि आपको ग्राफ में, क्योंकि जितना आपका वाई छोटा होगा ना ये ग्राफ आपको लगेगा एक्स एक्सिस से मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 1 ले लेता, इसको 2 ले लेता, तो अब आपका ग्राफ कुछ नीचे इस टाइप का बन रहा होता। तो कोशिश करो इसमें वाई थोड़ा बड़ा ले लो, इस वाले पॉइंट को 1 ले लेना, इस वाले पॉइंट को 2 ले लेना, तो थोड़ा अच्छा सा ग्राफ आपका यूं बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 4 हुआ है तो थोड़ा वाई पे है ना आपका ग्राफ थोड़ा उठा हुआ है, जितना वाई छोटा कर दो ग्राफ नीचे चिपका हुआ होगा पूरा। ग्राफिंग के भी रूल बताऊंगा, लेकिन देखो टाइम की कमी की वजह से मैंने सारे ड्रॉ करता और ये वीडियो जो आपको नजर आ रही है आराम से कोई चैप्टर नंबर 8 में 8.3 8.4 में कोई 10-11 लेक्चर में कंप्लीट करवाता अगर इस तरह करता। काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट है ना ड्रॉ करना, एक एक बात बताना, तो कम टाइम में फिर इसी तरह बता सकता हूं मैं और क्या तरीका होगा। तो ये जरा देख लेना यार, इतना मसला होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो चलो पूछ लेना। फिर आखिरी टॉपिक है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमने ड्रॉ वाला काम करना है, 8.4 को ड्रॉ करना है। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक को स्केच किस तरह करना है, क्वाड्रेटिक के डिफरेंट मेथड उन्होंने लिखे हैं, मैं एक ही चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है ना बच्चों, अगर आपके पास कोई भी सवाल आता है कि यार क्वाड्रेटिक को स्केच करो, तो एक तरीका है जो क्वाड्रेटिक को स्केच करने के लिए यूज होता है, उसके बाद फिर हम बुक पे आ जाएंगे, उस तरीके को सुन लो। वो तरीका क्या होता है भाई, कभी भी क्वाड्रेटिक आपके पास आ रहा है y = ax² + bx + c, 3-4-5 पॉइंट तो आपने लाजमी निकालना है। सबसे पहला पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट, मेजॉरिटी क्वाड्रेटिक के अंदर एक्स इंटरसेप्ट 2 आते हैं, कभी एक्स इंटरसेप्ट 1 आ जाएगा या कभी रेयर केस में एक्स इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, लेकिन ज्यादा 2 एक्स इंटरसेप्ट आते हैं, तो 2 पॉइंट आपको यहां से मिल जाएंगे। फिर आप निकालोगे वाई इंटरसेप्ट, 1 वाई इंटरसेप्ट आपको यहां से मिल जाएगा। फिर आप निकालोगे वर्टेक्स, तो 1 पॉइंट आपको यहां से मिल जाएगा। फिर एक और पॉइंट भी था, वो शायद कोई पॉइंट होता है मेरे जहन से निकल के, 2 पॉइंट यहां से, फिर एक वाई एक्सिस से मिलेगा आपको, अच्छा जी शायद था वर्टेक्स से आपके पास एक चीज होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो भी आ जाती है, वो जरा हम जब ड्रॉ करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। वो अगर एक्सिस भी आपको बदल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। खैर ये क्वाड्रेटिक के अंदर 4 पॉइंट तो आपको पता होने चाहिए, जब आपने 4 पॉइंट निकाल लिए ना, अब कुछ एडिशनल पॉइंट अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। एक वर्टेक्स आपको मिल जाएगा, अच्छा क्वाड्रेटिक में ए से आप देखोगे साइन क्या, अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड शेप है, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड शेप होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बदल गया अपवर्ड शेप है, वर्टेक्स ए वाला पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, तो जो वर्टेक्स होता है ना उससे एक एक्सिस पास करता है बिल्कुल वर्टिकल होता है, इसको आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हो। तो आपका पैराबोला ना इस टाइप का होगा, बिल्कुल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ इस टाइप का बना हुआ होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वर्टेक्स आ गया ना, वर्टेक्स ये डॉट है, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना दो। अब आपको अभी तक फिलहाल क्या पता होगा, एक डॉट और ये पूरी लाइन, ये पता होगा बस आपको। उसके बाद आप क्या करो, आप जाओ एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर, ये पूरा ग्राफ आपका चल रहा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर एग्जांपल नेगेटिव पे है, कोई मसला नहीं है, x की वैल्यू फॉर एग्जांपल -2 पे ही आपको x ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, फिर आप x इंटरसेप्ट करोगे। अब जो मैंने डायग्राम बनाई है इसमें ये ग्राफ x को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, मे बी आप में ये जो x एक्सिस है थोड़ा ऊपर होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो यहाँ पे x एक्सिस, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो है x इंटरसेप्ट आपको मिल जाएंगे, तो आप x एक्सिस पे जाओगे, इन 2 पॉइंट्स को मार्क कर लोगे। फिर आपको एक y इंटरसेप्ट मिलेगा, y इंटरसेप्ट ये वाला पॉइंट होगा जिसपे आपका पैराबोला y एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा। तो एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट, 1 वाई इंटरसेप्ट। ये करने के बाद आप मजीद अच्छा करने के लिए जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, आप देखो इस तरफ 2 पॉइंट ड्रॉ हुए हैं, इस तरफ 1 पॉइंट हुआ है, तो आप एक काम करो 2 पॉइंट इस तरफ ले लो और 1 पॉइंट यहां पे ले लो, ताकि दोनों तरफ 3-3 हो जाए, ग्राफ आप अच्छा ड्रॉ कर लोगे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इस तरफ कोई 2 एक्स वैल्यूज पिक कर लो और वाई वैल्यू निकालो, और इस तरफ कोई 1 पिक कर लेना, ताकि आपका ग्राफ जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाए ऊपर जाके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाए ना, तो आप उसको आसानी से ड्रॉ कर दोगे। इस तरह यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे को पॉइंट ले लेना, एक को यहाँ पे ले लेना आसानी के लिए, ताकि आप आसानी से बना सकते हो उसको। तो ये जनरल तरीका है, इस तरीके से आप कोई भी पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, आप उसको ड्रॉ कर रहे होते हो। ये एक जनरलाइज मेथड मैंने पूरा बता दिया। अच्छा यही मेथड जो है वो फैक्टर फॉर्म, अच्छा जो पैराबोला है ना इसकी दो, जो क्वाड्रेटिक है इसकी 2 फॉर्म होती है, इस वाली फॉर्म को आप कहते हो फैक्टर फॉर्म, ये तो सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म कह सकते हो ना आप इसको, ये होती है फैक्टर फॉर्म। फैक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो भी पैराबोला है ना उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, x - p x - q, और कुछ ना कुछ a होगा। अब वो किसी सवाल में a1 होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं y = x² + 3x + 2, तो उसको क्या होगा, x² इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करो, ये हो जाएगा फैक्टर बनाओ x + 2, यहां पे बनेगा x + 2, एक फैक्टर होगा x + 2, एक फैक्टर होगा x + 1। तो यहाँ पे a जो है वो 1 है, a होता है x² का कोफिशियंट, तो यहाँ पे 1 है, सवाल में x² का कोफिशियंट 1 था, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। तो कोई भी हर पैराबोला पे ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, लेकिन हर पैराबोला या क्वाड्रेटिक को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब वो आपने p और q कहाँ से निकाला है वो इतना मसला नहीं है, जैसे यहाँ पे p जो है
वो -2 आ रहा है, क्यू जो है वो -1 आ रहा है। क्योंकि देखो अगर दरमियान में इसके x प्लस टू को आप क्या करते हो, x प्लस टू को जीरो के बराबर रखते हो ना, तो x की नेगेटिव वैल्यू आ रही होती है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो आपके पास p नेगेटिव आप लोगे। p वो वैल्यू होती है जो आप जीरो के बाद रखते हो ना आप। फॉर एग्जाम्पल ये जो x माइनस पी है, इसको जीरो के बराबर रखोगे तो होगा x इज इक्वल टू पी। तो आपने p वो लिया होता है जो इसको जीरो रखने के बाद आपके पास वैल्यू आ रही होती है ना। तो अगर दरमियान में नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो p अब आपका क्या होगा, p नेगेटिव होगा। इस चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हो ना, x माइनस टू और x माइनस -1, इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो ये पूरी चीज आपकी p कहलाई जाएगी, ये पूरी चीज आपकी q कहलाई जाएगी, ये आपका p और q है, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा a यहाँ पे 1 है क्योंकि आपके x और कोएफिशिएंट 1 था, सिंपल। और इसके अंदर क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, अच्छा इसको फैक्टर फॉर्म कहते हो आप, कोई भी क्वाड्रेटिक है उसकी फैक्टर फॉर्म ये वाली होती है, ये फैक्टर फॉर्म कहला रही होती है। इसी तरीके से एक वर्टेक्स फॉर्म होती है, वर्टेक्स फॉर्म ये होती है। इसमें हम कन्वर्ट करना ना नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे, जब हम इसको ड्रॉ कर रहे होंगे ना वहीं पे मैं बता भी दूंगा। ये इसकी होती है वर्टेक्स फॉर्म। वर्टेक्स फॉर्म क्या होती है, इस वर्टेक्स फॉर्म में इसका फायदा ये होता है कि डायरेक्ट आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल जाते हैं, ये एक्स इंटरसेप्ट है, पी और क्यू आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल रहे हैं ना। और इसमें फायदा क्या होगा कि आपको डायरेक्ट वर्टेक्स मिल रहा होता है। वर्टेक्स कहाँ होता है, एच कॉमा के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक पैराबोला इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब इसमें वर्टेक्स आपको कैसे मिलेगा। आप देखो कि एक्स के साथ अगर पॉजिटिव है तो वर्टेक्स की पहली वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि देखो यहां पे नेगेटिव तो जो वैल्यू होगी वो यहां पे एच की होगी, लेकिन यहां पे नेगेटिव नहीं आ रहा ना, यहां पे +2 आ रहा है। इसका मतलब जो आपका एच है ना वो यहां पे -2 होगा, और के साथ पॉजिटिव, के साथ पॉजिटिव, इसका मतलब के आपका पॉजिटिव ही होगा यहां पे। तो बिलफर्ज अगर यहां पे एक्स -2 होता तो अब आप एच की वैल्यू 2 ले रहे होते हैं। तो अगर नेगेटिव होगा तो आपका एच जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर यहां पे पॉजिटिव है तो आपका एच नेगेटिव होगा। इसी तरह k के साथ अगर पॉजिटिव है तो k पॉजिटिव होगा, k के साथ अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो ये आपको एक वर्टेक्स मिल जाएगा, जो मैं यहाँ पे जिसकी बात कर रहा था। तो वर्टेक्स फॉर्म का ये फायदा है। तो इन दोनों फॉर्म में रख के आप पैराबोला को ड्रॉ कर रहे होते हो। ड्रॉ किस तरीके से करना है, यही बातें जो मैंने बोली हुई है, वर्टेक्स फॉर्म में कैसे लाना है आपको, फिर इस वाले में आपको उन्होंने बोला हुआ है कि फैक्टर फॉर्म में आपने पैराबोला को ड्रॉ करना है। यहाँ पे वर्टेक्स फॉर्म में कर रहे हैं, यहाँ पे वो फैक्टर फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं। तो दोनों सवाल जो हैं ये आपको मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर, फिर उनको सॉल्व करेंगे। इसी तरह ये टॉपिक भी है, ये बड़ा इजी टॉपिक है, बहुत आसान है, तो इसको भी हम साथ इंशाल्लाह 8.3 में सॉल्व कर लेंगे। साथ साथ 8.4 में तो खैर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप ड्रॉ करना सीखोगे। 8.4 में दोनों को ड्रॉ करोगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे।